आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कृषि तकनीकी प्रदत्त अभिकरण गवर्निंग बोर्ड व नेशनल फूड सिक्योरिटी कमेटी की बैठक। कहा, किसानों को ना होने पाए डीएपी व यूरिया की कोई कमी। दी उर्वरक के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को चेतावनी, बिक्री के समय किसी अन्य उत्पाद की कदापि ना करे टैगिंग। फुटकर विक्रेता अनिवार्य रूप से POS मशीन से ही करे उर्वरक की बिक्री। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा। कहा, वोटर आईडी कार्ड में हुई त्रुटियों को किया जाए दूर। जीरो टिलेज मशीन को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। टिलेज मशीन से किसानों को खेती में मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तत्वाधान में आयोजित हुआ कार्यशाला। श्रम विभाग के द्वारा चल रही कल्याणकारी योजनाओं की दी गई विस्तृत जानकारी। भारत निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में 23 जनपदों के उप निर्वाचन अधिकारी उप जिलाधिकारियों का हुआ ऑनलाइन एग्जाम। एडीएम फाइनेंस ने कहा, 2022 के चुनाव में सभी उप जिलाधिकारी देखेंगे रिटर्निंग ऑफिसर का काम। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई मोर्चा के क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक। प्रदेश में दोबारा भाजपा सरकार बनाने की बनी रणनीति। कहा, भाजपा के साथ है पिछड़ा वर्ग, प्रदेश में दोबारा बनेगी भाजपा की सरकार। गुरुवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 322 केंद्रों पर 32,491 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 8,841 और सेकेंड डोज लेने वालों में 23,650 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। और 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के नहान को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी पूरी। एडीएम सिटी ने श्रद्धालुओं से की अपील। कहा, नगर निगम के द्वारा बनाए गए बैरिकेडिंग के अंदर ही करें स्नान।